खबर अम्बेडकर नगर से, जहां जलालपुर के एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के बीच मालेपुर से जलालपुर मार्ग में सड़क किनारे झाड़ी काटने को लेकर विवाद हो गया है और ये विवाद चिट्ठी के जरिए चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है। दरअसल एसडीएम ने अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर सड़क किनारे झाड़ियां और पेड़ की टहनियां काटने का आदेश दिया, जिस पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने प्रत्युत्तर देते हुए एसडीएम से पूछा कि किस नियमावली के आधार पर उन्होंने इस भाषा में, यानी कि आदेश देने वाली भाषा में चिट्ठी लिखी है, जबकि एसडीएम का पद द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी का होता है और अधिशासी अभियंता का पद प्रथम श्रेणी कर्मचारी का है। इसके अलावा भी उन्होंने एसडीएम से कई और सवाल पूछे। एसडीएम और पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता के बीच अब चिट्ठी वाली लड़ाई चल रही है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। नोएडा में एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट गहरा गया। सभी सीएचसी पीएचसी पर इसका स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मरीज सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल ही पहुंच रहे हैं। पहले जहां 100 से 150 लोग यहां पहुंचते थे एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए, अब इनकी संख्या 250 से 300 हो गई है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में भी सिर्फ 2 दिनों का ही स्टॉक बचा है। ऐसे में शहर में कुत्ते काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्टॉक कम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में हर महीने तकरीबन 9000 लोग कुत्ते के हमले का शिकार होते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन के किल्लत पर सीएमओ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को इंजेक्शन उपलब्ध कराने को कहा गया है। देखिए, मेरे संज्ञान में लिया है कि जब सीएससी की हमारी जो एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई है और इसके लिए जिला अस्पताल में उसका लोड पड़ गया है, इसके लिए मैंने आज ही जो अपने नोडल ऑफिसर को कहा कि वो सभी सेवा प्राप्त करके इसके लिए आदेश करें। सामने प्रक्रिया ही है कि डेंगू में राउंड से सारे एमओएससी अपने आप ले जाते हैं, उसमें सीएमओ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यूपी के शो विंडो नोएडा में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। आपको बता दें कि नोएडा के सीएससी और पीएससी में एंटी रेबीज वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो गई। इस समय हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जो सेक्टर 39 में है। एंटी रेबीज वैक्सीन अब जिला अस्पताल में बची है और वो भी बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिनों की एंटी रेबीज वैक्सीन बची हुई है। लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में कुत्ते काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा यहां पर रोजाना अगर बात करें तो 100 से 150 मरीज पहुंचते हैं और अगर महीने का आंकड़े की बात करें तो करीब 3000 पहुंचता है। लेकिन ये 3000 आंकड़ा सिर्फ जिला अस्पताल का है, लेकिन पूरे गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 9000 पहुंच जाता है, जो बेहद चौंकाने वाला है। लिहाजा यहां पर एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ रही है और बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसको लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन बची है, लेकिन वो भी महज 2 से 3 दिनों की बची है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ सुनील शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बताया कि पत्राचार किया गया है, कंपनी को पत्र लिखा गया है और उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से जैसे ही एंटी रेबीज वैक्सीन मिलेगी वो सीएससी और पीएससी को उपलब्ध करा दी जाएगी।